हर हिंदुस्तानी का उसकी जवानी में ख्वाब होता है, वी आर डेड, हाथ देख लो, पैर देख लो, मुंह देख लो, सब देख लो, कि वो अपने सारे दोस्तों के साथ एक ट्रैक पे जाए। यहाँ बारिश आने की भी संभावना है, तो बस उसी सपने को पूरा करने हम जा रहे थे इस दुनिया के सबसे हाईएस्ट शिव टेंपल पे, जिसे दुनिया टुंगनाथ के नाम से जानती है। वेलकम टू द एपिसोड 5 ऑफ द ट्रिप विद फ्रेंड्स। क्या नीचे कैसे उतरेंगे? इन द लास्ट एपिसोड, इफ यू रिमेम्बर, हमारी किस्मत के एल लगे हुए थे, बट जैसे तैसे उल्टियां कर करके वी फाइनली रीच ड्रॉपटा, लिटरली आफ्टर 10-12 घंटे। मम्मियों से बात करें, घर वालों से बात करें, लेकिन दूसरी तरफ ये छोरा है, इसके घर वालों ने 5 दिन से इसको फोन नहीं किया और ये खुद लगा रहा था, फोन भी नहीं उठा रहे। ये भगवान क्या जुलुम है। ओ शिट, बताना भूल गई, दिस इज चोपटा जो कि टुंगनाथ का बेस है। ऑल्सो इसे मिनी स्विट्जरलैंड बोला जाता है, क्यों? बस 2 मिनट वीडियो और देख लो, समझ जाओगे। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, दिस इज आवर स्टे गाइज, यहाँ तो यही मिलना है, बट व्यू बहुत ऑसम है, ये नहीं ये। पहाड़ों में नेवर ट्रस्ट दैट ब्लडी गूगल मैप, वो साला तुम्हें बताएगा 6 घंटा और तुम पहुंचोगे 12 घंटे में, और तुम्हारे पूरे प्लान की अम्मा बहन हो जाएगी। अरे ठंड बढ़ाओ भाई, गर्मी हो रही है। हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे हैं, तुमसे ना हो पाएगा। ट्रैक की एंट्री 1 o'clock क्लोज हो जाती है ड्यू टू एनिमल अटैक्स एंड ऑल, और बज रही थी 2, बट मिरेकल हैपेंस, भगवान चाहते थे हम उनके पास जाएं, दैट्स व्हाई दे अलाउ अस कि भाई जाओ अपनी जान जोखिम में डालो, हमें क्या। बट अगर जान जोखिम में डालकर ये देखने को मिले ना, तो मैं ऐसा रोज करना चाहूंगी। डिफिकल्ट रास्ता चूज किया है, और ये लोग निप्पे सरी के आ रहे हैं, आ जाओ गाइस। सीरियसली हमने आधा ट्रैक भी कंप्लीट नहीं किया था और हमारा ये हाल हो रहा था। आ गए। ऑल्सो जितना हम लेट कर रहे थे उसको सांस तो लेने दे बे, उतना ये ट्रैक डेंजरस होता जा रहा था, बिकॉज रात में यहाँ पे जंगली जानवरों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, ना इंसान ना इलेक्ट्रिसिटी। पूरा परिवार डरा हुआ यार, मौत से किसको डर नहीं लगता भैया, थोड़ी कड़क बनाना। हम आ गए हैं, हमको जाना चंद्रशिला तक, बज गए 3:15 और अभी हमने सिर्फ 1/2 घंटे का ट्रैक किया, और यहाँ बारिश आने की भी संभावना हो जाए और अंधेरा हो जाएगा 1 से 1.5 घंटे में, और हमको 3 घंटे पहुँचने में लगेंगे चंद्रशिला। डर लग रहा है कि ये बेवकूफन अब करेंगे क्या, पर पता है हमें बिल्कुल नहीं लग रहा था, इवन दो हम ऊपर जा रहे थे और बाकी सारे लोग नीचे उतर रहे थे और एक ही बात बोल रहे थे, भैया ऊपर मत जाओ, मौसम खराब हो चुका है, ऊपर जाओगे तो नीचे नहीं आ पाओगे, माउंटेन ग्लो कर रहा है। एंड हमारी एनर्जी डबल हो गई थी जब हमने देखी हमारी लाइफ की पहली बर्फ। ये देखो गाइस, बच्चों को पहली बार बर्फ मिलते हुए। ये देखो कैसे बर्फ के नाम पे भागते हुए आ रहे इंदौर के गरीब बच्चे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। पराठे अंदर, इसके अंदर चली गई है बर्फ, ठंडा ठंडा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। देखा इतनी सी बर्फ से एमपी के बच्चे कितने खुश हो गए, लेकिन खुशी के चक्कर में हमने नोटिस ही नहीं किया कि जितना ऊपर हम जाएंगे टेम्परेचर उतना ही नीचे आता जाएगा, एंड हम सब ने प्रॉपर वुलन क्लोथ्स पहन भी नहीं रखे, तो कुल्फी बनना तो हमारी तय है। ऑल्सो खाना तो दूर की बात, हमारे पास पीने के लिए पानी तक नहीं है। इस पूरी ट्रैक में सिर्फ एक शॉप है जो हम नीचे छोड़ा चुके हैं। गाइस यार, जो है ना कपूर जरूर अकेला ऑक्सीजन। नाक देखो गाइस, नाक बैंड बज गई हमारी। ठंड बढ़ाओ भाई, गर्मी हो रही है।
ठंड के कारण हम सबको जेन्युइनली ऑक्सीजन में प्रॉब्लम आने लग गई थी। इवनली हमारे दो दोस्त नीचे कल्टी हो गए थे, बट हम फिर भी चढ़ रहे थे क्योंकि बहुत टफ है भाई। जन्नत भाई, वो लोग पीवर पागल है जो एक ही जगह बैठे रहते जीवन भर। दुनिया घूमो, बहुत प्यारी है दुनिया। हम ऊपर चढ़ते जा रहे थे लेकिन फिर मौसम खराब हो गया भाई। ये देखो जन्नत, और हमें यहाँ लंबा स्टॉप लेना पड़ा। ये देखो सबकी वाट लगी पड़ी है, यहाँ मौसम बहुत खराब हो चुका है। लेकिन ये देखो बहुत गंदा मौसम हो चुका है यहाँ। बट ट्रस्ट मी, इस स्टॉप के बाद ना किसी को ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हुई और ना ही किसी के पैर दुखे। अब मैं इसे मिरेकल बोलूं या भोलेनाथ का इशारा। हम लोग पहुंच गए। चलो बस, देखते ही देखते हम कब मंदिर पहुंच गए पता ही नहीं चला। मंदिर देखते से हम सबकी आंखों में आंसू आ गए थे, एंड जो चीज मैंने वहां फील की ना, वो तुम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। गूज़बम्प एक बहुत छोटा शब्द है। मंदिर देखने से लेकर मंदिर छोड़ने तक ना तो मेरे आंसू रुके ना भोलेनाथ से मेरा मन हटा। बस ऐसा लग रहा था यहीं बैठ जाऊं, यहीं बस जाऊं। ट्रस्ट मी, यही सुकून है। मंदिर पहुंचने के बाद अब हमें क्या करना चाहिए? अच्छे बच्चों की तरह नीचे लौट जाना चाहिए, राइट? बट नहीं, हम तो ढीठ हैं। अब हम जा रहे थे चंद्रशिला, जो कि टूंगनाथ से 2000 मीटर ऊपर है। बट ऊपर मामला थोड़ा डेंजरस हो गया था, क्योंकि अब हम एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच गए थे जहां हम सबके पांव शिविर कर रहे थे। एक स्लिप और हम गिरेंगे नीचे, पहुंचेंगे सीधे ऊपर। A few moments later. I told you ना, हम सब ने प्रॉपर वुलन क्लोथ्स नहीं पहन रखे थे और हम सबके पास ट्रैकिंग शूज भी नहीं थे कि हम बर्फ पे चल सके। खत्म। एंड सूरज के ऊपर आ जाने के कारण पूरी बर्फ पिघल के हमारे रास्ते में आ गई थी। खत्म। जिस रास्ते से हम आए थे वो रास्ता अब कुछ ऐसा दिख रहा था। खत्म। और दूसरी तरफ चंद्रशिला दिख रहा था। मुझे तो बस एक ही चीज ध्यान आ रही थी, पता नहीं वहाँ बर्फ का मंदिर था या नहीं। Whatever. Unfortunately, हम नहीं क्लाइम कर सकते थे। एक इंसान भी नहीं था वहाँ पे हमारे अलावा, एक इंसान भी नहीं। Anyways, अभी भी सियाप्पे खत्म नहीं हुए थे क्योंकि अब अंधेरा होना चालू हो गया था, एंड अब हमें खाई का डर नहीं, जंगली जानवरों का डर था। अपने घर वालों को पता बताते ना, अब हम ऐसी चढ़ाई पे और इस टाइम जाएंगे तो बोलते नहीं 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 समझ रहे हो अगर मम्मी पापा को ये पता चल जाए कि हमने ये करा है, वो कभी हमको घर से भी ना निकल लेते। लो अब बारिश भी चालू, मौसम बिगड़ता जा रहा है। हम नहीं जाए, मुझे सही लग रहा है। हालत थोड़ी खराब हो गई है, स्नोफॉल हो रही है, हम आधे रास्ते भी नीचे नहीं आए अभी। ऐसा लग रहा है कि बस थोड़ी देर में निपट जाऊंगा। पानी बहुत ज्यादा, मतलब स्नो बहुत ज्यादा आ रही है, मेरा फोन खराब हो जाएगा। रिंग बाहर नहीं आ पा रही है, ये देखो पूरे हाथ जम गए हमारे, बहुत दिक्कत है। तो हमने मैगी के लिए स्टॉप ले लिया है। बट मौसम अभी भी सही नहीं हुआ था, ना ही यहाँ पे एक भी लाइट थी, और हमें अभी आधा ट्रैक और करना था नीचे जाने के लिए। गाइस वी आर डेड, हाथ देख लो, पैर देख लो, मुंह देख लो, सब देख लो। ठंड पड़ा भाई, गर्मी हो रही है, अभी बारिश बंद नहीं हुई है। और ये बारिश है कि बर्फ है, ये भी समझ नहीं आ रही है। पता नहीं क्या इस पे दिख रही है, तो वाइट वाइट बर्फ दिख रही है, पर ऐसे बारिश। और देखो गाइस लाइट जल गई है और अंधेरा हो गया। गाइस लाइट जल गई है और अंधेरा हो गया। गाइस देखो
हम इतनी रात में उतर रहे हैं ट्रेकिंग करके। ये देखो गाइस पूरा अंधेरा देखो तुम, एक जना भी नहीं है यहाँ पे। ये पिछले ये देखो तो है, और पता है ये जंगल एरिया पूरा जंगल। कैसे जा रहे हमको ही पता है कैसे जा रहे हम। ट्रस्ट मी, जो हॉरिफाई चीजें हमने एक्सपीरियंस किए ना आज घने जंगल में बिना लाइट के अंधेरी रात में, हम अकेले चले जा रहे थे, बस पता भी नहीं था कब कौन आ जाए कौन खा जाए। सबसे पीछे मैं चल रहा था, पर जैसे तैसे फाइनली फाइनली हम नीचे पहुंच ही गए। बहुत साथ में थे हमारे गाइस, इसलिए हम आ गए बड़े जंगल से। बाबा की कृपा से दर्शन हो गए हमारे। हाँ लिटरली गाइस, हम काले जंगल से बाहर आए, ऐसे ऐसे से घूम घूम के। बहुत मुश्किलों से आ चुके हैं भाई, बेस्ट डे एवर। एंड बस फिर जाने का टाइम आ गया, तो फाइनली गाइस हम लोग का तुंगनाथ का ये कंप्लीट हो चुका है, ट्रैक कंप्लीट हो चुका है, और हम यहाँ से मसूरी के लिए निकल रहे हैं। हमने हमारा सामान पूरा लोड कर दिया है, और हमारे साथ हमारी ओजी गैंग रेडी टू गो है। हम लोग यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा भाई, बताऊँ लिटरल मतलब। बट अ लिटिल डिस्क्लेमर, हम लोग डायरेक्ट मसूरी नहीं पहुंच पाएंगे, वो क्यों कैसे कब। और आप लोग को एक चीज बता दें कि आपको जब यहाँ पर ट्रैक स्टार्ट करना है ना, तो बिल्कुल आप सुबह 10 बजे से करें, नहीं तो हमारी जैसी हालत होगी, रात में घूमना पड़ेगा, वो भी घर में जाना होगा। रात में आपको गाड़ी चलानी पड़ेगी, इंडिकेटर देने पड़ेंगे, ब्रेक लगाने पड़ेंगे, बहुत काम करना पड़ेगा। चलो बाय बाय गाइस, सी यू इन मसूरी।